हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने डेजर्ट रोज़ के बारे में आजकल सुना होगा, अडेनियम। बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग फेलियर हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं एक्सपर्ट हो गए हैं उनको लगाने में। जिनके पास ऑलरेडी वो प्लांट था वो तो देखिए मास्टर हैं, और हम जैसे जिन्होंने कभी अडेनियम ट्राई नहीं किया था, लास्ट ईयर गिफ्ट में मिला था और वो भी मार दिया था 2 साल पहले, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी सारे सीड मिले थे अपनी सिस्टर से और मैंने ट्राई किए। इतनी ठंड में भी उनका जर्मिनेशन रेट जो है 100% रहा। वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस मीडिया में लगाया था और कैसे उसके रिज़ल्ट रहे। मेरे पास देखिए सिर्फ एक एक ये पौधा है जो कि मेरी फ्रेंड ने सीड भेजे थे, 8 सीड भेजे थे, जिसमें से सिर्फ एक पौधा बच पाया। बाकी के सारे उस टाइम पर भी जर्मिनेशन रेट जो है 100% रहा था, लेकिन बालकनी में रखे होने की वजह से कबूतर ने सारे पौधे ख़राब कर दिए थे। सिर्फ मैं एक पौधा बचा पाई हूँ और अभी का आपको दिखाती हूँ जो मैंने लगाए थे। ये देखिए, मैंने जितने भी सीड जो लगाए थे सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं और आगे ये बड़े होंगे और खूब सारे मेरे पास अडेनियम के प्लांट हो जाएंगे। लेकिन लगाया किसमें था, देखिए मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये रिवर सैंड जो नदी की रेत जिसे हम कहते हैं, नदियों में जो बहकर आती है सिल्ट, वो है। और कुछ बीज मैंने ट्राई किए थे कोकोपीट में, कोकोपीट में मेरा एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने रिवर सैंड में लगाए थे वो 100% जर्मिनेट हुए। इतनी ठंड में होने के बावजूद भी मैंने बस क्या तरीका अपनाया था मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने एक छोटा सा जो अपने पैकेट्स फूड आते हैं उसका एक कंटेनर लिया था, इसके अंदर मैंने रिवर सैंड को भर के एक दिन के लिए धूप में छोड़ दिया था और फिर उसको पानी भर के रख दिया था। जब पूरा का पूरा पानी इसका निथर गया उसके बाद में मैंने इसके अंदर सीड लगा दिए थे और फिर इसका जो ये ढक्कन है इसको मैंने बंद कर दिया था। और ये बंद रहा था क्योंकि पूरा दिन जैसे पानी इवोपरेट होता है धूप में, तो इसके ढक्कन के ऊपर पानी आ जाता था और उसके बाद उसी पानी से इसको मॉइस्चर मिलता रहा। मैंने अभी तक इसमें एक बार भी पानी नहीं डाला है जब से सीड लगाए हैं। देखिए इतना अच्छा इसका वो रहा है, क्योंकि रिवर सैंड आपको पता है पानी को होल्ड करके रखती है और पानी को रुकने भी नहीं देती है, दोनों ही काम करती है, मतलब मॉइस्चर मेंटेन रहता है और पानी होल्ड भी नहीं होता है। इन बीजों का सक्सेस रेट देखकर मैंने अभी फिर से तैयार किया है एक कंटेनर। मैंने एक कंटेनर में रिवर सैंड जो है अच्छे से एक दिन धूप में सुखाया, उसके बाद इसमें को पानी भर के रख दिया है और अब मैं इसके अंदर सारे सीड्स लगाने वाली हूँ। ये देखिए कंटेनर में मैंने छोटे छोटे से लकड़ी की मदद से होल्स कर लिए हैं और अब जो मेरे पास ये सीड है इनको मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। और अगेन एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि आज है 12, यानी 3 दिन बाद पूर्णमासी है, और आपको पता है मैं सीड सोइंग के लिए ये वाली डेट्स का थोड़ा ध्यान रखती हूँ जिससे कि मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आज मैं इन सीड्स को डालूँगी और आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करूँगी कि इनका जर्मिनेशन रेट कैसा रहा। तो ये मैं सीड्स एक एक करके इनके अंदर डाल दे रही हूँ। ये देखिए सारे सीड्स मैंने डाल दिए हैं और अब बस इसकी रिवर सैंड को मैं ढक दूंगी और ढकने के बाद इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है पूर्णमासी जब आती है तो पानी जो है अपने आप ऊपर की साइड आता है, तो मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको मैं एक ढक्कन से जो इसी का कवर है उससे बस मैं इसको एयरटाइट करके रख दूंगी और आफ्टर 4, 5, 6 डेज जितने दिन बाद भी जर्मिनेट होंगे तो रिज़ल्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए ये मैंने लगा दिए हैं, और अगर आपको भी कहीं से अडेनियम के सीड मिलते हैं तो उनको रिवर सैंड में ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है, आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। और आगे इनको किस तरीके के कंटेनर में मैं लगाऊंगी वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। और ये देखिए पिटूनिया का कितना अच्छा से सीड का जर्मिनेशन हुआ है, इसलिए मैं कहती हूँ कलेक्ट करिए अपने लिए सीड जिससे आने वाले सीज़न में खूब सारे पौधे आपको लगाने के लिए मिलें। ये देखिए जाफरी की कितनी सारी तैयार हो गई हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड आपका कमेंट मेरे लिए एक रिवार्ड होता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए वीडियोस में कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू।